greatest answer by modi to a silly question which can be asked only by those who have zero knowledge on indian civilization and culture. do you imagine an india that is purely hindu? is there a place for muslims in india in the future? अब देखिए हिंदुत्व की फिलॉसफी क्या है वो कहता है एकम सत विप्राह बहुधा बदंती सत्य एक है उसको जानने जताने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं दुनिया में अकेला हिंदू ऐसा कहता है कि गॉड इज वन कभी हिंदू ये नहीं कहता है मुसलमान का भगवान ईसाई का भगवान सिख का भगवान ये नहीं कहता वो कहता है गॉड इज वन और वो कहता है भक्त वैसा भगवान अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है जहां पर यह फिरोसा भी हो वहां पर यह सवाल उठने का कारण यह है कि उस हिंदुत्व को हम समझे नहीं है दुनिया में कोई ऐसी घटना नहीं है आप देखिए इज़राइल का एक ऑफिशियल बुक है इज़राइल का ऑफिशियल बुक है उसने ये कहा है कि कोई यह ना समझे कि हमें सिर्फ जर्मनी में हम पर अत्याचार हुए थे डाई हजार साल में हम दुनिया में जहां जहां गए हर जाति ने हर कहीं किसी मौके पर हम पर जुर्म किया था कम की मात्रा में लेकिन अगर कोई दुनिया में अपवाद था अकेला हिंदुस्तान था जहां पर हमें ढाई हजार साल के इतिहास में कोई कष्ट नहीं हुआ हिंदुस्तान ऐसा है जब पारसी हिंदुस्तान में आए तब गुजरात के किनारे पर राजाओं बसते थे वो जब आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि हम आए हैं लेकिन हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है कि जब जो हम अग्नि लाए हैं उस अग्नि को जब हम रखेंगे तो उसकी 50 किलोमीटर की रेंज में नॉन ईरानी को आना नहीं चाहिए यानी राजा हिंदू व्यवस्था हिंदू और उन्होंने मांग एंटी हिंदू की और यह देश ऐसा है कि यहां के हिंदू ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए मैं व्यवस्था करता हूं कि वहां कोई प्रवेश नहीं करेगा और आपकी मान्यताओं का आदर करेगा और मैं आपको बताता हूं विश्वास के साथ आज जो दुनिया टेररिज्म के कारण संकट में आई है उसका और उसमें जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है मैं नहीं कहता हूं उसमें इमोशनल सपोर्ट है कि नहीं लेकिन जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है और उसमें रिलीजन का काफी उपयोग हो रहा है और उसका मूल कारण है Thou, तेरे संप्रदाय से मेरा संप्रदाय ऊंचा है ये जब भाव जगता है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट आतंकवाद तक की सीमाओं चला जाता है अगर कोई कहता है हिंदू है जो सर्वसमावेशक हैं, है जो कहता है आप जिस भगवान को मानते हो विश्वास से मानिए आपको परमात्मा प्राप्त होगा आप जिस किताब को मानते हो विश्वास से मानिए आपको प्राप्त होगा यह मूलतः हिंदू फिलोसॉफी है अगर इसको अगर नहीं समझते हैं और उसके कारण उसको ही क्वेश्चन कर देते हैं तो मैं समझता हूं समस्या पैदा होती है